हेलो, नमस्कार। हेलो वालेकुम। हेलो हेलो, हेलो जी, हाँ आपको मालूम। जी भाई, बोलिए। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ भाई। क्या नाम है? मैं मेरा नाम आफाक है भाई। किसी ने भाई ने आपका नंबर दिया था, बोले भाई ये भाई साहब बहुत रहने वाले हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो अगर आपको किसी मसले वगैरह की तकलीफ हो तो आप इससे बात कर सकते हैं। ये अच्छे कौन बोला जो है भाई? पुरानी से गारंटी कौन बोला? जी। ग्रुप पे ऐसे मैसेजेस आए थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, मगर नहीं आपसे है, क्या आप जी। कौन बोल रहे? मैं आफाक बोल रहा हूँ मुंबई से जी। अच्छा, आफाक जी। आफाक भाई, बताइए। भाई मसला ये है कि आजकल जो है एक मसला जो है जोरों शोरों से चलता है, फिर हम इसे काफी वक्त से चला रहे हो और आजकल भी लोग जो है काफी परेशान है इस मसले को लेकर के, वो जायज है ना जायज है, कैसा है, फर्ज है, वाजिब है, क्या हराम है, चीज? बिदअत है, शिर्क है, ये वसीले का मसला है जी। वसीला? वसीला वसीला भाई अहले हदीसों के नजदीक फर्ज है। फर्ज भाई एहले हदीस से मुराद क्या, आपकी मुहदिसीन मुराद है या आज का जो फिरका जो माना जाता है जिसको जो अपने आप को अहले अहले हदीस हदीस कोई कहते हैं फिरका अंदर से नहीं वो है। अहले जी। तो हदीस को जो फिरका कहे उसकी अक्ल की कमी है। अहले अभी आप अपने आप को अहले हदीस क्यों हदीस कह रहे हैं? जमात है। अगर अहले हदीस जमात है ना, ठीक है, तो अभी आप जमात का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इख्तलाफात है वो फिरकों के माबेन है, समझे मेरी बात को। जो इख्तलाफात है वो फिरके के माबेन है। अगर आप कहें कि फिरका नहीं है तो आपको नाम नहीं लेना चाहिए था अहले हदीस का। नहीं तो पहले मेरी आपको मेरी समझ जो मैं बता रहा हूँ, तो पहले आपको असल बताएंगे ना कि असल अकीदा क्या होना चाहिए, उसके आप बाद जो माशरे में फिरकों में आप जो फैला है है ना भाई वो जमात का बताएंगे। नाम ना लें, क्यों ठीक समझिए मेरी बात को। अगर मेरे आप भाई, ये जमात कहते से हैं कि आपको ये नफरत है फिरका क्या? नहीं है तो आप जमात का नाम ले भाई लो, फिरके का जमात नाम से ले। आपको नफरत है क्या, ये बताइए। नहीं, मुझे जमात से देखो ऐसा है ना, किसी नाम से मुझे नफरत नहीं है, ठीक है। नहीं, आप कोई गलत जमात से अकीदा आपको बयान नफरत करते है, सहाबा हैं की जमात जो जी। थी आपको उससे नफरत है। अस्तगफिरुल्लाह अजीम, अस्तगफिरुल्लाह अजीम भाई, इतना बोलना काफी होगा मैं कह देना तो वही तो बता रहा हूँ ना, अहले जी। हदीस जमात तो जो है अब नहीं नहीं भाई इधर उसके सुनिए, मैं नजदीक यही तो पूछ रहा वसीला हूँ आपसे, फर्ज पहले है। भी नाम से जो फिरका आजकल जाना जाता भाई है आप वो एक मुराद काम ले रहे हैं कीजिए, और मुंह किसी में जो मुराद ले आपने रहे हैं, पहले इंजन बता ऑयल रहा पी के बोल रहे हैं, पहले इंजन ऑयल को थूक दीजिए। जी। भाई जो इंजन ऑयल हेलो आपके मुंह में है पहले उसको थूक दीजिए, ठीक है, ताकि थोड़ी देर चुप रहिए तो हम आपको भाई भाई कुछ इधर बताएं। कैसा है ना, और मैं देखिए भाई इंजन ऑयल अगर तब पी तक के मेरी बात बोलना सुनिए, है अफरू खान साहब तो आप इधर बोलते सुनिए, जाइए, मैं फोन साइड में रखा दे रहा हूँ, इधर आप सुनिए अपनी जल्दी फाइल मेरी क्लियर बात कर सुनिए। लीजिए। सबसे पहली चीज जो है ना, आप जो है ना अदब और एहतराम से बात करें। मैं आपसे अदब से बात करूँ, आप मुझसे अदब अदब ही से बात करें, आपका फूल अदब है? की आप बातों सवाल ना कर करें रहे मुझसे, हैं, मैं इसका आदी मेरा हूँ। मुकम्मल जवाब भी नहीं सुन रहे हैं और बीच में मैं अपनी सुनिए ना मेरे भाई, नाफिस अकल को मैंने डाल कॉल रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या लगाया है, कहूंगा भाई? सुनिए मेरे बात को, मैं आपको सुकून से सुनूंगा, मैंने इसीलिए कॉल लगाया हूँ, ठीक नहीं, है। सुकून आप हमें नहीं मैं बड़े सुकून से, मतलब बेसुकून आप ये आदमी फजूल भाई बोल रहे की हैं, बातें आप ना करें, विदा कर बदतमीजी वाली दीजिए, बातें ना खड़े करें। हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, ठीक है, मुंह पे पानी की छींटे मार और लीजिए। लेटे हो तो अच्छा, भाई लेटे हो तो उठ के मेरे भाई वजू कर लीजिए, तो हो सकता है आपका जो गुस्सा है शांत हो जाए। और बावजूद हो तो, भाई बावजू हो तो भी खामोश हो जाइए, हाँ तो सीधा खामोश होने बोलिए ना, उठने बैठने लेटने की बात क्यों करते आप? तो इसलिए बोल लेना, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है मैं ना, खामोश हदीस के होता हूँ काम मेरे में। भाई, मैं खामोश होता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इतनी आपने गुजारिश है सवाल मेरी पूछा कि वसीले आपसे के मैं ना बारे में, देखनी है। इख्तलाफ बहुत है, मैंने अब आप आपको जवाब ही जितने नहीं भी दे जो है पा आपके रहे। मस्तक के लोगों से बात किया हूँ वो बदतमीजी के वसीला, ऊपर आते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वसीले आप के ऐसा ताल्लुक करें से आपको जानना है तो थोड़ी देर खामोश हो जी। जाइए, बता देता हूँ आपको। मैं खामोश होता हूँ, आप बताइए भाई, चलिए सुनता हूँ, भाई बोलिए। जो सहाबा की जो जमात थी, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, उसके नजदीक वसीला फर्ज है। अब वो कौन सा वसीला है वो भी आगे आके आपको बताते हैं, लेकिन जो क्या आजकल फर्ज के जो है, चलिए। फिरकों में जो वसीला चल रहा है, जैसे हनफी देवबंदियों का वसीला और जैसे अच्छा हनफी जो बरेलवी उनका वसीला, वो बातिल वसीला है, हराम वसीला है। जैसे अच्छा कब्रों से मांगना, मजारों से एक मांगना, एक चीज एक एक चीज मुर्दों का पूछूं भाई, वसीला। एक वजह चाहूं जी, हाँ बिल्कुल चाहिए। आपने ये हनफी देवबंदी हनफी वर्दी जो कहा, ये यहाँ से आपकी मुराद फिरका है और क्या, हनफियत तो ये फिरका है ना, अच्छी शेख बात, अब्दुल कादिर और जिलानी इनके ने भाई अपोजिट पे जो एहले हदीस हनफियत बोला वहां को से मुराद भाई वो फिरका नहीं है मर्जिया जी। फिरके में शामिल किया।
किसने? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला। माशाल्लाह, कौन सी किताब में भाई? आपकी जो किताब है गुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 221। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कौन से नुस्खे में, कहाँ का, कौन सा नुस्खा है जिसके अंदर ये लफ्ज मौजूद है? अरबी में भी है, उर्दू में भी है। नहीं नहीं, मैंने नुस्खे की बात की मेरे भाई, अरबी उर्दू की बात नहीं की, मैंने नुस्खे की बात की भाई। मेरे पास तो भाई 2013 का एडिशन है। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ मेरे भाई, सुकून से आप समझाइए ना। आपने मसलक परस्ती को साइड में रख दीजिए, मसलक परस्ती को साइड में रख दीजिए। और एक तो मसलक परस्ती वाली बात ही नहीं हो रही है ना, हम तो आपको बता दे रहे हैं वसीले का कॉन्सेप्ट क्या है। जी जी, वसीला मैं सुन लूंगा, मगर आपने जो एक बात बोली है ना भाई, ये गलत है। मेरी तहकीक के हिसाब से, मेरी तहकीक आपके सामने रख देता हूँ। आप समझने के लिए फोन किया? नहीं नहीं, समझाने की जो चीज मुझे आती है वो मैं समझा सकता हूँ, जो चीज मुझे आती है वो तो समझाने में भाई, क्योंकि आपको अगर कुछ गलत कहेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं क्या गलती नहीं हो सकती? नहीं, आपको ऐसा तो नहीं है भाई, आपसे गलती का इम्कान ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे क्या लग रहा है, मैं पता है इस बारे में, गलती है तो मैं आप सुधार सकते हो, मुझे भी हक है ना। नहीं, मैं भी चाहता हूँ आपको कभी देखिए जी। हाँ, गुनियतुत तालिबीन आपने कभी देखी है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी मेरे भाई, इसलिए तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। खाइए अल्लाह की कसम, आपको सुनिए, इसके कई नुस्खे हैं। सबसे पहली अल्लाह की कसम, आप इधर सुनिए तो मेरे भाई, बात तो सुन लीजिए आप। अल्लाह की कसम खा जाइए, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। आपने पढ़ी है गुनियतुत तालिबीन? अल्लाह की लानत, देखिए अच्छी बात है जी, अच्छी बात। आमीन बोलिए। आमीन आमीन भाई, आप भी बोलिए। आमीन सुम्मा आमीन। खाइए अल्लाह की, अल्लाह की, अल्लाह की कसम खाइए। आपने पढ़ी है भाई ये बात बात पर अल्लाह की कसम खिलवाना, ये कैसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको ये चीज दिख जाती। मुझे फिर कैसे, मुझे एक हदीस सही शरीफ बताइए जिसमें आप अल्लाह ने तस्दीक की अल्लाह की कसम खिलवाई है सामने। अरे मैं आपको कसम खिलवा रहा हूँ ना, क्योंकि आप झूठे हैं ना, आपका अमल बिद्दत भी तो हो सकता है। अगर सच्चे हैं तो मेरे भाई, आप अगर आप सच हैं तो कसम खाइए ना अल्लाह की। भाई मैं डर क्यों है इतना भाई, पहले इसको साबित तो कीजिए अमल, कहीं बिद्दत ना हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह की कसम आप खा के कहिए कि मैंने गुनियतुत तालिबीन पूरी पढ़ी है। कोई भी अमल कुरान हदीस से साबित होना चाहिए। आपने पढ़ी नहीं है गुनियतुत तालिबीन, वरना आपको साफ साफ दिख जाता है किया गया है। अरे हनफियत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने शामिल किया। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस किताब के बारे में डिटेल समझाता हूँ आपको। नहीं, डिटेल बात है, डिटेल भाई, देखिए डिटेल हमें समझना होगा हमारे। बोलने के लिए दे रहे मुझे, ये बताइए आपको। देखिए आपने समझने के लिए फोन किया है तो समझिए, समझाइए मत। भाई मगर जहाँ हमारे इतने बुरे दिन नहीं आपने की हम आपसे दीन समझेंगे, अभी हमारे आलमी दिन जिंदा है तो हम उससे सीख लेंगे। तो दीन आप खाली अपने उल्मा से सीखेंगे और किसी से नहीं सीखेंगे? इल्म वालों से सीखेंगे ना, किसी जाहिल से थोड़ी मैंने सीखेंगे। मैंने तो एक जगह आपकी अब भी बात सुनी कि अगर शैतान अगर सच बोलता है तो हम उनकी भी बात मानेंगे, आपने ऐसा बोला है? हाँ बिल्कुल, ये तो हदीस से साबित है ना जी। अरे ये तो हदीस से साबित है ना, शैतान ने आके बताया था आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने कहा शैतान सारी बातें बोलता है, लेकिन उसने ये जो बोला है सच बोला है। आपने ये कैसे कह दिया कि सिर्फ उल्मा से सीखेंगे फिर? जब आप शैतान से भी सीखने के कायल हैं तो सिर्फ उल्मा की दिल आपने कैद कहाँ से लगा दी, मतलब हदीस के खिलाफ? शैतान से सीखने नहीं, शैतान की भी सही बात तो हम मानेंगे। बात मानेंगे तो क्या क्या करेंगे, सीखेंगे ना भाई, और क्या होगा? नहीं बात मानेंगे ना, सीखना थोड़ी ना होता है, शैतान से कोई इल्म सीखता है? सीखने वाली बात होगी तभी तो मानेंगे ना, क्या मानेंगे, क्या सीखा उसने? शैतान से कोई सीखता है इल्म? अच्छा मुझे कौन से साथी में शैतान से सीखा बताइए, वो हदीस पूरी पढ़ के बताइए क्या है उसके अंदर? कौन सी हदीस? जो हदीस आप शैतान वाली बोल रहे हैं उसके अंदर क्या है मुझे बताइए जरा। अरे वो हदीस तवील है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं। अच्छा शॉर्ट फॉर्म समझा दो भाई, शैतान ने क्या बताया? शैतान जो होता है वो राशन चोरी करने के लिए आता है, ठीक है? अच्छा। तो जो साहबी होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि मेरे वहाँ सब लोग मतलब भूखे हैं, ये हैं वो हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो वो अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, ठीक है, फजीले की नमाज में। आगे बढ़िए। हाँ मतलब आखिरी दिन आखिरी पे ये है कि वो शैतान कहता है कि मैं कि अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो मैं नहीं आऊँगा,
तो ये बात सहाबी अल्लाह के नबी से बताते हैं। मतलब ये क्या किया शैतान ने? ये शैतान ने, शैतान ने बात बताई, शैतान ने बात बताई, लेकिन हाँ आगे की बात आप खा गए। नहीं नहीं आगे की बात क्या, पीछे आगे की बात आप खा गए। सहाबी अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, अल्लाह के नबी तब बताते हैं कि हाँ शैतान ने ये बात सही कही। हाँ तो अल्लाह के नबी की मोहर उस बात पे लगी ना, कोई डायरेक्ट शैतान से तो सीखता नहीं। मानेंगे शैतान की वही बात मानेंगे जिस पे अल्लाह के नबी की मोहर। अगर आप अपने आप को शैतान समझ रहे हैं और आपकी अगर कोई सही बात होगी तो हम अपने आलमी दीन से पूछ के आपकी बात को मान लेंगे अगर सही होगी तो। भाई मैंने अपने आपको शैतान नहीं बोला। हाँ आप अपने मुखाली को नहीं, शैतान नहीं, ये अपने मुखाली को नहीं, आपको शैतान, क्योंकि आपने झूठ बोला। मुझे शैतान बोलने की क्या मतलब है? आपने तालीम पढ़ी नहीं है और आपने जबरदस्ती उसके बारे में रिटर्न देना शुरू कर दिया जी। भाई इतना बता दीजिए गुनियतुत तालीम की टोटल कितनी जिल्द है? शैतान से तो सीखने का काय मुझसे नहीं सीखे। भाई जिल्द कितनी है टोटल गुनियतुत तालीम की? तो मेरी सच्ची बात क्यों नहीं मान रहे आप? भाई गुनियतुत तालीम की कितनी जिल्द है? अभी खुद ही मुखालिफ कर दिया आपने कि शैतान की बात नहीं मानी जाएगी। जिल्द बताइए गुनियतुत तालीम की कितनी जिल्द है? भाई एक तादाद हो गया, आपने कहा शैतान की बात मानी जाएगी, आपने कहा शैतान की बात नहीं मानी जाएगी, बताइए ना। ठीक है अब सुन लीजिए, अब ये चीज मैं पहले बताया, बता दीजिए मेरे भाई कितनी जिल्दों में गुनियतुत तालीबीन है? बताइए बताइए आप पूरी डिटेल दे रहे थे ना, बताइए। हाँ मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, सुनो मेरे भाई, मेरे भैया सुनो। तो अरबी की कितनी जिल्द है? अच्छा कितने कितने जबानों में छपी है किताब ये? कितनी जबानों में छपी है किताब ये? भाई मेरे भाई जो मेरे इल्म में है वो है अरबी में, उर्दू में और हिंदी में। मैंने इन तीन लैंग्वेज में देखी है। अब आप हमें बता दीजिए अरबी के कितने जिल्द हैं गुनियतुत तालीम के? कितने उसके नुस्खे? अरे आप जिल्द तो बताइए, नुस्खे तो दूर की बात है। अच्छा 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 हाँ जिल्द बताइए आप। आपको तो सब कुछ पता है ना, आप पूरी पढ़ चुके हैं गुनियतुत तालीम, तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ अरे हाँ क्या कर रहे हैं बताइए ना। अब एक पहले आप इसीलिए कह रहे हैं कि आधा अधूरा इल्म लेके बहस ना क्या कीजिए, बहस करने के लिए इल्म होना चाहिए। अब अल्लाह के नबी से कहिए कि दो मिनट मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सामने वाले की सुनूंगा। क्यों भाई? मैं दिल के साथ पूरा नुस्खे भी बता दूंगा। और बोलो आप हमें जिल्द बताइए पहले। आप अल्लाह की कसम खा कर कहिए कि दो मिनट कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जैसे जिल्द आप बता देंगे इतनी जिल्दे हैं, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं दो मिनट नहीं, पाँच मिनट खामोशी सुनूंगा। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा और आप दो मिनट सुनिए। तो बताइए डिटेल, आप बताइए आप बीच में बोल देंगे, जिल्द सबसे आखिर में बताऊंगा ताकि आप बीच में ना बोले। ठीक है अरे जिल्द बता मेरे भाई, क्यों टाइम मुझे दे। ठीक है ठीक है बताओ मेरे भाई। कई नुस्खे भाई, पहली बात ये है कि गुनियतुत तालीबीन का जो आप हवाला दे रहे हैं ना, ये वो हवाला हम कहाँ से दे रहे हैं? आप बोल दीजिए जिल्द बताइए कौन सी जिल्द है। इधर सुनिए सब बताता हूँ, खामोश रहिए अपना लेक्चर, खामोश रहिए भाई। आप इधर पूरा लेक्चर ना दीजिए, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ सुनिए ना, आपने जो इल्जाम लगाया ना वो इल्जाम सिरे से हट जाता है। जो इल्जाम है ही नहीं, ये तो हकीकत है। हंसिया को उन्होंने जो है मुर्जिया में लिखा है, में शामिल किया गुनियतुत तालीबीन में लिखा हुआ ये किताब है, ये मोतमद अली किताब नहीं है। ठीक है ये साबित ही नहीं है किताब पूरी तरीके से। आपके उलमा ने भी खुद जब नहीं, जब जब कव्वाली गाने की दलील देना होता है तो गुनियतुत तालीबीन की दलील दी जाती है, जब तावीज़ बांधने की दलील दी जाती है तो गुनियतुत तालीबीन की दलील दी जाती है, और मुर्दों को जिंदा करने की दलील दी जाती है तो गुनियतुत तालीबीन की दलील दी जाती है, धागा बांधने की दलील दी जाती है तो गुनियतुत तालीबीन की दलील दी जाती है। किताब तो बहुत इल्जाम ही दिया जाता है, मतलब किताब ही गलत हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। जिस चीज को आप मानेंगे तो उस इतनी बड़ी मक्कारी की गुनियतुत तालीबीन किताब साबित ही नहीं है भाई। हद हो गई भाई, आप देख गए लोग आपको मारेंगे मेरे भाई। की किताब तो आपने इतना गलत बोल दिया। चलो अच्छी नहीं है, मैं बोलूं हद हो गई जी जी। गुनियतुत तालीबीन किताब सफा नंबर 84 पे लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत वल जमात का एक नाम है, वो है अहले हदीस,
तो इसका मतलब ये भी नहीं साबित होगा। भैया मेरे सुन लो यार, इतने डर क्यों रहे हो? अबू खान साहब गुनियत तालबीन में लिखा हुआ है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नमाज में रफादान करते थे, तो ये भी साबित नहीं होगा। यानी कि ढोल ताशे आपका डर कव्वाली गागरा ताली मतलब ये सब साबित है उस किताब से, लेकिन जो सही बात है वो साबित नहीं है। हद है मेरे भाई, हमने सही पहचाना बहुत जल्दी आपको हमने पहचान लिया। हंसी बावर कराते थे, हंसी बरेली और हंसी देवबंदियों का अहले सुन्नत वल जमात से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर इस हंसी बरेली और देवबंदी का उन्होंने मुकाबला धोखा दिया है, अगर आप इस चीज को जानते थे उसके बावजूद भी मुझे आप अहले सुन्नत वल जमात बनने के लिए इंसान को सहाबा के तरीके पे चलना पड़ेगा, कुरान हदीस को मानना पड़ेगा और अहले जमात को अमल करना पड़ेगा। बरेली मुशरिक बिदती कभी अहले सुन्नत वल जमात नहीं हो सकता। आप सोच रहे मैं बोलते रहूंगा खाली जमात में बोलने का मौका, तो तब आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में हो। अरे आप कितने पानी में समझ में आ गया, तालबीन की बात तो आपने कह दिया साबित ही नहीं है। बोलते रहेंगे तो आप बहुत बड़े मौसी के, आप मौसी मुल्ला लोग तकरीर देते हैं तो बुनियाद तालबीन का हवाला देते हैं, तो जब किताब साबित ही नहीं है तो हवाला क्यों देते हैं आपके आलिम लोग? भाई भाई सुन रहे या कान में तुम्हारे अंसार हो और अब जबान पे आ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भाई सुन रहे हैं या कानपुर में आपके हड़ताल हो गई? सुनेंगे आप समझ जाएंगे। आपके आलिम साहब बुनियाद तालबीन का हवाला पेश करते हैं तो जब ये किताब साबित ही नहीं है तो आलिम लोग हवाला क्यों देते हैं इसका? तवस्सुल का बताएंगे भाई, वसीले का बताएंगे? अरे बताओ ना मेरे भाई, बताओ। हाँ बताओ समझाइए भाई, गुनियतु तालबीन जब किताब साबित ही नहीं है तो उसका भाई अरे मेरे भाई उसका हवाला क्यों देते हैं आपके आलिम लोग? आपने जो बोलना था बोल दिया, मैंने जो बोलना था बोल दिया, जो सुनने वाले सुनेंगे। वापस आते वसीले पे सुनने वाले समझ जाएंगे कि आप खाली बर्तन हो और आपने झूठ बोल दिया गुनियतु तालबीन को। आपको ना उसकी जिल्द पता है ना अरबी का मतन पता है, ना आपने कभी आज तक सारी की सारी चीजें पढ़ी है। बस आपने ये सब बोल के अपनी हैसियत को बचाने के लिए लग रहा है कि आप बचा लेंगे तो खैर आपने तो बहुत छोटी गुस्ताखी की, लोगों ने अपनी हैसियत को बचाने के लिए कुरान का भी इनकार कर दिया, हदीस का भी इनकार कर दिया। आपने तो गुनियत तालबीन का इनकार किया है, कोई मसला नहीं। आप तो छोटे गुनाहगार हैं, आपसे बड़े बड़े गुनाहगारों से हमारी बात हो चुकी है। खैर वसीले पे बात करनी है कि नहीं आपको? वसीले के मौजू से आपको मुनकर हदीस साबित कर सकता हूँ। वसीले पे आपको बात करनी है कि नहीं? वसीले पे बात करेंगे ना, मैं वसीले के मौजू वसीले का माना बताइए, वसीले का माना बताइए। अरे भाई आप मुझे समझा रहे हैं, आप मुहक्किक हैं, जरा बताइए आगे बताइए। मौदुसीन को आप समझाने लगे तो उल्टा जी। हाँ मौदुसीन को तो आप समझा रहे हो, अभी तो अल्लामा आप बनने लगे, अब क्या हो गया? ये यू टर्न मत मारो भाई मेरे भाई, क्या मतलब आपको समझना है या मुनाजरा करना है या बहस करना है, क्या करना क्या आपको भाई? आपको भाई अगर चप्पल जूते आपके आसपास रखते हैं तो पहन लीजिए, क्योंकि हम फोन काट के भागने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ देखा जाएगा कौन छोड़ जानते हैं, देखिए वही तो बता रहे हैं। वसीले के ऊपर आपको समझना है या बहस करना है, फाइनल बता दीजिए जी। जी समझाइए समझाइए, अगर मुझे कुछ लगेगा एतराज वाला तो मैं एतराज करूंगा, वरना खामोश रहूंगा। बोलिए। अच्छा एतराज आप करेंगे अगर लगेगा तो? भाई आप नबी तो है ना कि आपकी हर बात मान लूं, कि आपकी हर बात मानूं? नहीं कौन सी बात पे आपने ऐतराज किया? इमाम आजम की तो हर बात मानने नहीं देते, आपकी हर बात कैसे मान लूं? भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात में कील काल नहीं करते हो, और अहले हदीस जब कोई बात अगर कहेगा तो बड़ा बोलिए बोलिए अब आप उसी आ जाए। अरे किस पे बात करनी है जल्दी बताओ भाई। भाई वसीले पे बात करने में कितनी मरतबा बोल लूं, बोलिए ना। क्या जानना क्या वसीले के बारे में बोलिए, क्या जानना है शॉर्ट फॉर्म में अपना क्वेश्चन करो भाई। आप मैं वसीले की डिटेल जानना चाहता हूँ, वसीला किसका मानना है, किसका नाम नहीं मानना है, और नहीं मानना तो क्यों नहीं मानना है? अच्छा वसीला किसका मानना तो किसका नहीं मानना और किसका नहीं मानना तो क्यों नहीं मानना,
तो क्यों नहीं मानना, ये मैटर है आपका। जी ठीक है, देखिए अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरे मोमिन की आयत नंबर 60 में, ए बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ठीक, अच्छा तो ये जो है ना, इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला पुकार सुनता है। आवाम में जो गलत फहमी ये है, वो गलत फहमी ये है कि बिना वसीले के दुआ नहीं होती। एक्चुअल ये है कि डायरेक्ट दुआ मांग सकते हैं, लेकिन वसीले से भी दुआ हो सकती है। अगर कोई जायज वसीला है तो जायज वसीले के जरिए भी दुआ हो सकती है। उस पर हवाला दीजिए आपको बहन भाई, अगर आप कुछ बोले ना तो उस पर हवाला दीजिए। आपने कहा कि आवाम ये मानती है कि वसीले के बगैर दुआ होती ही नहीं है, तो आप इस पर हवाला जो बात करता है ना वो बात दलील बात करता है, हवाला बात करता है। जी जी जी, तो सुन्नी उलमा के कौन से आलिम की किताब में लिखा हुआ कि बिना वसीले के दुआ होती ही नहीं, वो मुझे हवाला दे दीजिए बराए मेहरबानी। अरे आपको जब बता रहा हूँ तो आप सुनने को तैयार नहीं हो। मैं सुन रहा भाई, आप बस हवाले के साथ बोलिए, बस अब मैं खामोश। चलिए बोलिए। चलिए ठीक है, वसीला पहले मतलब होता क्या है, पहले वसीले का माना आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आपके लिए आसानी रहे समझने के लिए। वसीले का माना होता है वसीला। अरे अम्मा एक मत रुकियो, तुम अपना सुनो लेटो ना, तुम्हारे बात करके दो मत रुको। हाँ एक मिनट को, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भाई, वसीले का जो माना होता है, वसीला एक अरबी जबान का अल्फाज है, लफ्ज है, जिसका माना होता है, मतलब होता है करीबी या अल्लाह सुबहान व तआला का कुर्ब हासिल करना। ठीक, यानी कि जिससे किसी चीज तक पहुंचा जाए और उसके जरिए किसी का कुर्ब या उसकी पास करीबी नजदीकी हासिल की जाए। ठीक, वसीला दो टाइप के होते हैं, एक होता है वसीला कौनिया और एक होता है वसीला शरिया। ठीक है, तो अब जो ये वसीला कौनिया और वसीला शरिया, भाई वसीला कौनिया और वसीला शरिया, तो अच्छा। वसीला कौनिया जो होता है वो एक्चुअल में अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए उसको खालिस कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है, जिसके जरिए इंसान जिंदगी की जितनी भी मतलब भाई वो चीजों तक पहुंचता है, मसलन पानी जो इंसान की जो भाई वो प्यास होती है उसको बुझाने का एक एक मतलब वसीला है, जरिया है। जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े इंसान के बदन को ढकने का जरिया है, वसीला है। एक सवारी है, सवारी जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का वसीला है, जरिया है। तो ये जो वसीला है, इस वसीले की सारी इंसानियत भाई वो मोहताज है। और एक दूसरा जो वसीला है उसका नाम है वसीला शरिया, यानी कि हर उस चीज को कहा जाता है जिसके जरिए उन चीजों तक पहुंचा जाए जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने दीन करार दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इबादत वसीला है जन्नत में जाने का, अल्लाह के रसूल के ऑर्डर को मानना और उस पर अमल करना इस बात का वसीला है कि अल्लाह की हमें कुर्ब हासिल होगी, नजदीकी हासिल होगी। वसीले भी, अब जो ये वसीला शरिया है इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है जायज और एक होता है नाजायज वसीला। तो जायज वसीला क्या है? जायज वसीला है ऐसा वसीला भाई जिसका अल्लाह ने अपने कुरान में ऑर्डर को नाजिल किया हो और अल्लाह के नबी की जो हदीस है उसमें उसके बारे में आया हो। ठीक जी। अब जायज वसीला जो है, अब जायज वसीले भाई वो तीन टाइप के हैं। ठीक, अब वो तीन टाइप क्या है, वो तीनों बोल लीजिए। हाँ हाँ, चलिए तीनों आपको बता देते हैं। अब जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मेरे अच्छे अच्छे नाम है, मेरे को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। ठीक, यानी कि हमें हम अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों का भाई हम वसीला ले सकते हैं और ये जायज है।
और इसकी जो दलील है वो है सूरह आराफ आयत नंबर 180। ठीक, अब दूसरा जो वसीला है अपने नेक आमाल का वसीला, जैसे एक हदीस में आता है कि जो तीन लोग होते हैं एक गार में भाई फंस जाते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी नेकी का वसीला मांगते हैं कि मैंने ये नेक काम किया था, ये अमल किया था, ये अमल किया था, तो जो वो जो गार का जो पत्थर होता है वो भाई साइड में हट जाता है। और तीसरा वसीला ये है कि किसी नेक जिंदा परहेजगार दीनदार आलिम का दुआ में वसीला लेना, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है, उसको आपका पूरा मसला मालूम हो, वो भी आपके लिए दुआ करे और आप भी अपने लिए दुआ करो। तो ये तीन जायज वसीले हैं मेन, और बहुत सारी मतलब इसके ऊपर डिटेल आती है। मैंने खामोशी से आपकी बात सुन ली है। अब इतनी बाजू में मुझे क्या नहीं समझा, मैं आपको किस सवाल बताता हूँ, लाइन से बताता हूँ कि मुझे क्या क्या नहीं समझा, अब मुझे और समझा दीजिएगा। ठीक है जी, पहली चीज तो आपने ये कहा कि भाई आवाम में ये चीज है कि वसीला जो है उनके यहाँ ऐसी चीज है कि बिना दुआ जब आदमी करता है तो बिना वसीले की कबूल ही नहीं होती, तो ये क्या किसी किताब में लिखा है? अगर लिखा है तो हवाला बता दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर दूसरी बात, आपने जो वसीले की तकसीम की, वसीना कुनिया वसीना शरिया, ठीक है, वसीला कुनिया और शरिया जो है, हेलो, हाँ बोलते रहिए भाई, सुन रहे ना, हाँ, तो दूसरी चीज ये पूछना था कि आपने जो तकसीम की वसीले की, वसीला कुनिया शरिया, आपने क्या पूछी भाई, वो मतलब पहले मैंने ये पूछा था कि आपने जो ये कहा, चुप हो जाओ भाई, अल्लाह के लिए चुप हो जाओ, पीछे पड़ जाती हूँ हाथ धो के, यार बैठो एक मिनट बात करने वाले, अरे टॉपिक छिड़ गया है दिन का, दो मिनट चुप रहो, अब इनको समझाती क्यों नहीं है? हेलो जी बोलो भाई, भाई इतनी रात को फोन ना क्या करो, घर वाले यार मेरे को घर से माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ अगली बार से नहीं करूँगा, माजरत चाहता हूँ, रात को 12 बजे फोन करते हो, घर वाले मेरे ऊपर चालू हो जाते हैं कि इतनी रात को बात कर रहे हो, माजरत चाहता हूँ भाई, बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा आपको भाई पूछो सवाल जी, पहली चीज ये भाई कि आपने जो ये कहा कि आवाम में ये चीज फैली हुई है कि वसीला जब तक नहीं लेंगे तब तक दुआ कबूल नहीं होगी, क्या ये किसी किताब में मौजूद ऐसा लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो हवाला दे दे, अगर नहीं किताबों में इसकी कोई दलील नहीं है। अफू भाई सुनो तो मेरी बात को, मेरी जब पूरी बातें हो जाए ना तब आप बोलिए, ठीक है, मैं खामोश जैसे सुन रहा था ना वैसे आप भी खामोश सुनिए। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा था ना, आप मेरे को समझा रहे हैं, पूरी चीजें जवाब दे रहा हूँ। हाँ भाई एक साथ में दीजिएगा, एक साथ में दीजिएगा, ठीक है, नहीं भाई मैं भूल जाऊंगा, भूल जाएंगे ना तो मुझसे जवाब लीजिएगा, आप भूल जाएंगे ना, आप भूल जाएंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं भूल जाऊंगा बताना आप। ठीक है, पहली चीज मैंने ये पूछा कि घर वाले मेरे भाई डांट रहे हैं, ठीक है, क्या फायदा अम्मी नाराज हो जाए और अपनी माँ से नाराज करके दिन के बाद सही नहीं लेता हूँ, आप आराम से बात कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत माफी चाहते हैं, रात के 12 बज रहा है, अम्मी हमारी भाई हमें मतलब पैसे निकाल देंगी और अपनी अम्मी को नाराज करने का। अल्लाह आपको हिदायत।